वो हाँ थोड़ा बेटा ऊपर की तरफ रिफ्लेक्शन आ रहा होगा, पर कोई दिक्कत नहीं है, चैप्टर अपना टोटल थ्योरेटिकली चल रहा है, थोड़ा सा वो रिफ्लेक्शन है, कोई बात नहीं, उसे अवॉइड करो। तो लास्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 15 जो है अपना इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस, इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। हम लोग देख रहे थे कि क्रॉपिंग के लिए कौन कौन सी स्टेप्स जो है वो परफॉर्म की जाती हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो उसमें हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट कर रहे थे, जिसमें पहली चीज़ हम लोगों ने न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जो है उसे स्टार्ट किया था। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में हम लोगों ने बच्चों दो टाइप के न्यूट्रिएंट जो हैं उनकी बात की थी। एक को कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट और एक को कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट प्लांट्स को ज्यादा अमाउंट में होती है। मैक्रो का मतलब बड़ा, ज्यादा, तो उन्हें तो हम लोग क्या बोल देते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट, जिनकी रिक्वायरमेंट प्लांट्स को ज्यादा है। और जिन न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट प्लांट्स को कम होती है उसे हम लोग बोल देते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये दो टाइप के न्यूट्रिएंट जो हैं वो हम लोगों ने देखे थे। आज हम लोग चैप्टर की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और आज हम लोग जो टॉपिक सबसे पहले करने जा रहे हैं बच्चों वो इसी न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में ही है। हेडिंग है मैन्योर। हम सभी मैन्योर जो है उसका मतलब जानते होंगे, जिसको हम लोग नॉर्मली खाद, हिंदी में हम लोग खाद बोलते हैं। मैन्योर क्या है, एक ऑर्गेनिक मैटर है जो कि सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। ऑर्गेनिक मैटर सॉइल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, वो तो मैन्योर होता है। और इनऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो फर्टिलाइजर कहलाता है। मैन्योर जो है बनाया जाता है बाय डीकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा। जो भी गांव वगैरह में, जनरली गांव वगैरह में क्रॉप के फील्ड के आसपास जो कैटल्स वगैरह, जानवर वगैरह हम लोग पालते हैं, उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट है उससे, और प्लांट वेस्ट, जैसे कि प्लांट की जो टूटी हुई डालियां हैं या फिर लीव्स वगैरह हैं, प्लांट से होने वाला कचरा जो है, इनको मिलाकर के हम लोग तैयार करते हैं मैन्योर। मैन्योर सॉइल की फर्टिलिटी और न्यूट्रिएंट्स के अमाउंट को अच्छा खासा बढ़ा देता है। इसके अलावा ये जो मैन्योर है ये कचरे से बना है, तो जब आप इस कचरे को कलेक्ट करोगे मैन्योर बनाने के लिए, तो सीधी सी बात है आसपास जो कचरा है वो भी कंट्रोल हो जाएगा। तो दोनों फायदे जो हैं वो इसके हो जाते हैं। मैन्योर जो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको भी बढ़ाता है। पानी जितना ज्यादा ठहरेगा सॉइल के अंदर, सीधी सी बात है रूट्स को पानी उतना ही ज्यादा जो है वो मिलेगा और वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम सामने नहीं आएगी। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर, इन्हें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं आपको लिखवाऊंगा भी मैन्योर फर्टिलाइजर में 6-7 डिफरेंसेस मैं आपको लिखवाऊंगा। आपके पास एक इंटेक्स क्वेश्चन भी है जिसमें फर्टिलाइजर मैन्योर को कंपैरिजन करना है। मैन्योर दो टाइप का होता है, मैन्योर जो है वो आपका दो टाइप का होता है। एक होता है कॉम्पोस्ट और वर्मी कॉम्पोस्ट, और दूसरा होता है ग्रीन मैन्योर। सबसे पहले अगर हम लोग बच्चों बात करें कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट, तो देखिए ये क्या है, जब हमारे फार्म से जो हमारा एग्रीकल्चर फील्ड है उससे निकलने वाला वेस्ट मटेरियल, और इसके अलावा जो एनिमल्स का एक्सक्रीटा है, काउ डंग जैसे गाय का गोबर वगैरह, ये वेजिटेबल वेस्ट है ना, डोमेस्टिक वेस्ट, घर का ऐसा कचरा जो बायोडिग्रेडेबल है, डिकम्पोज हो सकता है, या सीवेज वेस्ट है, तो ये सब हम लोग, या फिर हम लोग जो हमारे खेत में से वीड्स निकालते हैं, अनवांटेड प्लांट्स को निकाल देते हैं, ये सब है। इन सब को मिला करके हम लोग जो ऑर्गेनिक मैटर तैयार करते हैं उसे बोलते हैं कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट क्या है, इन्हीं चीजों को जब हम लोग एक बड़ा सा गड्ढा खोद करके उसमें डाल देते हैं, और साथ में बेस्ट फ्रेंड ऑफ फार्मर अर्थवॉर्म,
अर्थवर्म्स भी हम लोग उसके अंदर डाल देते हैं। तो ये अर्थवर्म्स इन सभी वेस्ट को, कंपोस्ट को डीकंपोज करते हैं, और डीकंपोज करके बनाते हैं जो सब्सटेंस, उसे बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। ये वर्मी कंपोस्ट पॉल्यूशन कंट्रोल कर रहा है, जो आसपास की गंदगी है उसे कंट्रोल कर रहा है, और इसके अलावा एक बहुत अच्छा सोर्स जो है वो सॉइल को प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनका अमाउंट काफी अच्छा खासा बढ़ जाता है, जो कि प्लांट ग्रोथ को बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर देता है। तो ये तो आपका पहला टाइप का मैन्योर हुआ, कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो दूसरा कहलाता है ग्रीन मैन्योर। इस ग्रीन, ग्रीन का जनरल टर्म हम लोग जो यूज करते हैं वो हरियाली मतलब पेड़ पौधों से है। तो ग्रीन मैन्योर क्या है, जो पेड़ पौधे हमारे कोई खास काम के नहीं हैं, पर उनका इस्तेमाल एज अ मैन्योर किया जाता है। जैसे कि जो भी सोइंग ऑफ सीड है, बीज जमीन में बोने से पहले, सन हेम्प या ग्वार, ये सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, जो कि जनरली एज अ फूड, एज अ फूडर हमारे जो कैटल्स वगैरह होते हैं उनके खाने काम में आते हैं। इन सबको क्रश करके मिट्टी में मिक्स करके हम लोग तैयार करते हैं ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर सॉइल में पर्टिकुलरली नाइट्रोजन और फास्फोरस, इन दो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। ध्यान रखना बच्चों, प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ के लिए तीन न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। बात करें फर्टिलाइजर्स की, तो फर्टिलाइजर्स कॉमर्शियली बनाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स हैं। कॉमर्शियली मतलब ये हम लोग फैक्ट्रीज वगैरह में बनाते हैं, पैसा, पैसे के लिए, पैसा कमाने के लिए। ये फर्टिलाइजर्स नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजर्स को हमने बनाया है। हम जो केमिकल डालेंगे उस केमिकल से मिलने वाले न्यूट्रिएंट जो हैं वो प्लांट्स को भी मिलेंगे, है ना। तो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं फर्टिलाइजर्स के न्यूट्रिएंट्स को। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये तीनों ही किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जितना ज्यादा आप यील्ड चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भाई पर हेक्टेयर में आपका क्रॉप प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, तो सीधी सी बात है, आपको एक तो जगह ज्यादा चाहिए, इक्विपमेंट ज्यादा चाहिए, और सीधी सी बात आपको फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट भी क्या होगी, ज्यादा। क्योंकि इतने बड़े लेवल पर जब हम लोग क्रॉपिंग करेंगे, खेतीबाड़ी करेंगे, तो सीधी सी बात है हम लोग सिर्फ मैन्योर जो है उसके हिसाब से नहीं चल सकते, क्योंकि एक तो उसे बनने में बहुत समय लग जाता है ना, और क्योंकि ये डीकम्पोजिशन की वजह से बन रहा है तो फिर इसका अमाउंट भी बहुत कम बनता है। जबकि फर्टिलाइजर्स को बनाना तो हमारे ही हाथ में, जितना क्वांटिटी चाहे, जैसी क्वालिटी चाहे, हम लोग फर्टिलाइजर्स की जो है वो तैयार कर सकते हैं। पर फर्टिलाइजर्स में केमिकल्स होते हैं, तो इस वजह से फर्टिलाइजर की प्रॉपर डोज, मतलब कितना अमाउंट लेना चाहिए, पर्टिकुलर कितने टाइम पीरियड के बाद फर्टिलाइजर्स जो है उनका इस्तेमाल करना चाहिए, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करने के बाद में क्रॉप को कैसे ट्रीट करना चाहिए, तो ये सारी चीजें जो है फर्टिलाइजर्स के एप्लीकेशन से पहले हम लोगों को जो है ध्यान में रखनी पड़ती है। क्योंकि इसका एक फैक्टर ये भी है कि जब हम लोग एक्सेस ऑफ ज्यादा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ड्यूरिंग इरिगेशन जब हम लोग पानी वगैरह देते हैं खेत में, तो ये फर्टिलाइजर्स पानी के साथ मिल जाते हैं और वाटर पॉल्यूशन करते हैं। दूसरा, ये पानी जब रिस करके ग्राउंड में चला जाता है तो वहां ग्राउंड वाटर को भी ये पॉल्यूट कर सकता है। इसके अलावा पिछले चैप्टर आप पढ़ चुके हैं कि ज्यादा फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल से आपकी सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो भी क्या हो सकती है, वो भी खत्म हो सकती है। तो अगर देखा जाए शॉर्ट टर्म, थोड़े समय के लिए आपको ज्यादा मुनाफा चाहिए, तो हम लोग फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करें। पर अगर हम लोग चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय तक सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे, हमें फायदा पहुंचता रहे
और हम लोग हमारी सॉइल को किसी तरीके का अनचाहा नुकसान ना कर दें, अगर ये सारी चीजें हम लोग ध्यान में रखें तो लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट आपको कौन देगा? मैन्योर, ना कि फर्टिलाइजर। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को मैं कुछ डिफरेंसेस लिखवा रहा हूं, आप लोग अपनी रफ कॉपी में डिफरेंसेस लिखेंगे, एक टेबुलर फॉर्म में एक टेबल बनाएंगे, आपका जो पेज है उसको आधा आधा हम लोग आप लोग बांट लीजिए, एक तरफ मैन्योर और एक तरफ हम लोग फर्टिलाइजर्स लिखने जा रहे हैं। एक तरफ मैन्योर और एक तरफ फर्टिलाइजर। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे बच्चों, मैन्योर के अंदर पहला पॉइंट है, अ मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस, इज अ नेचुरल सब्सटेंस, इस नेचुरल सब्सटेंस के ब्रैकेट में लिखिएगा ऑर्गेनिक सब्सटेंस, नेचुरल सब्सटेंस के ब्रैकेट में लिखिएगा ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ब्रैकेट क्लोज, ऑब्टेन्ड बाय द डीकंपोजिशन ऑफ, ऑब्टेन्ड बाय द डीकंपोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट एंड प्लांट वेस्ट, एनिमल वेस्ट एंड प्लांट वेस्ट। इसी के कॉन्ट्रारी सामने फर्टिलाइजर के अंदर लिखिएगा, अ फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड सब्सटेंस, इज अ मैन मेड सब्सटेंस, इज अ मैन मेड सब्सटेंस विच इज जनरली इनऑर्गेनिक, विच इज जनरली इनऑर्गेनिक इन नेचर, जनरली इनऑर्गेनिक इन नेचर। सेकेंड, दूसरा पॉइंट हम लोग मैन्योर के में लिखेंगे, इट कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ, इट कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन कॉमा फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, एंड पोटेशियम, पोटेशियम उसमें लिखिएगा फर्टिलाइजर में, इट इज वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, इट इज वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। जैसा हम लोग पढ़ के आए हैं कि भाई नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम फर्टिलाइजर्स में बहुत ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट, अगला पॉइंट लिखिएगा मैन्योर में, इट एड्स EDS, इट एड्स ग्रेट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इट एड्स ग्रेट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ग्रेट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमस, इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमस इन द सॉइल, इन द सॉइल। और फर्टिलाइजर्स में लिखिएगा, इट डज नॉट एड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, इट डज नॉट एड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, एनी ह्यूमस टू द सॉइल। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा मैन्योर के लिए, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द मैन्योर, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द मैन्योर
प्रेजेंट इन द मैन्योर आर एब्जॉर्ब्ड स्लोली, आर एब्जॉर्ब्ड स्लोली बाय द प्लांट्स, बाय द प्लांट्स बिकॉज मैन्योर इज, बिकॉज मैन्योर इज इनसॉल्यूबल इन वॉटर, बिकॉज मैन्योर इज इनसॉल्यूबल इन वॉटर. तो मैन्योर जो है वो पानी में घुलता नहीं है. अब प्लांट्स उन सभी चीजों को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो पानी में घुल जाती हैं, क्योंकि पानी एब्जॉर्ब करते हैं ना वो. पर मैन्योर क्योंकि पानी में इनसॉल्यूबल है तो बहुत समय लग जाता है मैन्योर को एब्जॉर्ब करने में, जबकि आप फर्टिलाइजर में लिख दीजिएगा बींग सोल्यूबल इन वॉटर, बींग सोल्यूबल इन वॉटर, इन वॉटर कॉमा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन अ फर्टिलाइजर, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन अ फर्टिलाइजर, इन अ फर्टिलाइजर आर रेडिली, आर ई ए डी आई एल वाई मतलब इजीली, आर रेडिली एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स, आर रेडिली एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स, बाय द प्लांट्स. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा मैन्योर में, इट इज नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक एंड टेंड टू, TEND एंड टेंड टू रिमूव जनरल डेफिशिएंसी, एंड टेंड टू रिमूव जनरल डेफिशिएंसी ऑफ द सॉइल, ऑफ द सॉइल. तो ये पर्टिकुलर किसी टाइप के न्यूट्रिएंट नहीं को प्रोवाइड नहीं करता मैन्योर, ये तो सॉइल की जो जनरल जो छोटी छोटी कमियां हैं मैन्योर उन्हें दूर करता है. पर फर्टिलाइजर्स पर्टिकुलर टाइप के न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, जैसा नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम. लिख दीजिएगा फर्टिलाइजर्स में, इट इज न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक एंड कैन प्रोवाइड, एंड कैन प्रोवाइड स्पेसिफिकली, स्पेसिफिकली नाइट्रोजन कॉमा फॉस्फोरस एंड पोटेशियम टू द सॉइल, नाइट्रोजन कॉमा फॉस्फोरस एंड पोटेशियम टू द सॉइल. मैन्योर में लिखिएगा बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, मैन्योर इज वॉल्यूमिनस, VOLUMINOUS. वॉल्यूमिनस का मतलब जो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, जगह ज्यादा घेरता है. वॉल्यूमिनस एंड बल्की, BULKY, भारी है. वॉल्यूमिनस एंड बल्की, सो इट इज इनकन्वीनियंट, सो इट इज इनकन्वीनियंट टू स्टोर, इनकन्वीनियंट टू स्टोर कॉमा ट्रांसपोर्ट कॉमा हैंडल एंड अप्लाई टू द क्रॉप, ट्रांसपोर्ट कॉमा हैंडल एंड अप्लाई टू द क्रॉप. तो इसे इकट्ठा करके रखना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, अप्लाई करना, हैंडल करना मुश्किल हो जाता है. उसमें लिख लिए फर्टिलाइजर में, इट इज कॉम्पैक्ट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, इट इज कॉम्पैक्ट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, एंड कॉन्सेंट्रेटेड सो इट इज इजी टू स्टोर, सो इट इज इजी टू स्टोर कॉमा ट्रांसपोर्ट एंड अप्लाई टू द क्रॉप्स.
एंड अप्लाई टू द क्रॉप्स, टू द क्रॉप्स. नेक्स्ट पॉइंट, मैन्योर में लिखिएगा, मैन्योर इज चीप, मैन्योर इज चीप एंड प्रिपेयर्ड इन, प्रिपेयर्ड इन रूरल, प्रिपेयर्ड इन रूरल होम्स, एच ओ एम ई एस, होम्स और फील्ड्स, या तो गांव में घरों पर या फिर खेत में ही बनाया जाता है, होम्स और फील्ड्स. फर्टिलाइजर में लिखिएगा, फर्टिलाइजर इज कॉस्टली, एंड इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज. लास्ट लास्ट जो पॉइंट है डिफरेंसेस का, मैन्योर में लिखिएगा, इट डू नॉट कॉज पॉल्यूशन, इट डू नॉट कॉज पॉल्यूशन एंड इंक्रीज, एंड इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल. डू नॉट कॉज पॉल्यूशन एंड इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल. जबकि फर्टिलाइजर में हो जाएगा, इट कॉजेज पॉल्यूशन, एंड कैन डिक्रीज द, कैन डिक्रीज द फर्टिलिटी, कैन डिक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड डू नॉट इम्प्रूव, एंड डू नॉट इम्प्रूव द वॉटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, वॉटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल. तो ये कुछ डिफरेंसेस आपने देखे, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, तो हो सकता है एग्जाम में आपके पास में बिल्कुल क्वेश्चन आ जाए मैन्योर और फर्टिलाइजर जो है उसके बीच में डिफरेंसेस लिखने का, एक लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स का या 6 मार्क्स का, है ना. तो आप लोग को ये अंतर पता होने चाहिए. आजकल बच्चों ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो काफी ज्यादा परफॉर्म की जाती है. तो आखिर इस ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या मतलब है, ये आपको पेज नंबर 207 पर जो इंटेक्स क्वेश्चन है उसके नीचे वाले पैराग्राफ में मिल जाएगा. ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसा फार्मिंग का सिस्टम है जिसमें हम लोग नो केमिकल्स, मतलब किसी तरीके के फर्टिलाइजर, हर्बिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स, इनका इस्तेमाल ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ उसमें ऑर्गेनिक मैन्योर या रिसाइकल्ड फार्म वेस्ट, जो हमारे खेत से ऐसा वेस्ट निकलता है जिसको रिसाइकल किया जा सकता है, इनका इस्तेमाल किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ. लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी या जो नीम की पत्तियां होती हैं वो, या फिर टर्मरिक हल्दी जो है, इसका, इन सब का, ऑर्गेनिक चीजों का, नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करते हुए जो फार्मिंग का सिस्टम आजकल जो ट्रेंड में है उसे ही हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग. ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में कुछ और फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे मिक्स्ड क्रॉपिंग या इंटरक्रॉपिंग, जिसकी वजह से क्रॉप्स को बेनिफिट होता है इंसेक्ट्स या पेस्ट के मामले में. ये सब क्या है, ये भी हमारे पास में आगे आएगा.
जो हेडिंग अपनी आएगा क्रॉपिंग पैटर्न, उसमें सब आएगा कि मिक्स क्रॉपिंग या इंटरक्रॉपिंग क्या है, वरना फिर आपने शायद एसएसटी में पढ़ा ही होगा। चलो हम लोग इसको डिस्कस भी करेंगे, पर अभी जो समय है वो है इरिगेशन। इरिगेशन क्रॉप को, जैसा कि क्रॉप क्या हमें भी जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत है, ऐसे ही जो क्रॉप्स हैं हमारे प्लांट्स हैं उन्हें भी पानी की जरूरत होती है, क्योंकि हम सभी ने पढ़ा है कि भाई जो प्लांट्स हैं वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इनका इस्तेमाल करते हुए फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं और खुद के लिए और दूसरों के लिए फूड प्रिपेयर करते हैं, तो पानी बहुत जरूरी है। तो क्रॉप को एडिक्वेट अमाउंट में, पर्याप्त मात्रा में हम लोग जो वाटर पानी वगैरह देते हैं ताकि उनकी जरूरत पूरी हो सके एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, उसे बोलते हैं हम लोग इरिगेशन। उसे हम लोग क्या कहते हैं, इरिगेशन कहते हैं। तो ये इरिगेशन जो है इसके अलग-अलग मेथड्स हम लोगों के पास में हैं, और ये जो इरिगेशन है किसी भी प्लांट के लिए कि सीड होता है, जब बीज उसके जर्मिनेशन से लेकर के उसकी सारी बेसिक नीड्स को, न्यूट्रिएंट्स को, भाई न्यूट्रिएंट आप सॉइल में ही तो डालेंगे, सीधा प्लांट में तो डाल सकते नहीं, सॉइल से भी ये वाटर में सॉल्यूबल न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करते हैं। तो इंडिया में जो इरिगेशन का जो मोस्ट कॉमन मेथड है वो है बारिश, मॉनसून। टोटली मॉनसून पर ज्यादातर फार्मर जो होते हैं वो डिपेंडेंट रहते हैं, पर जैसा कि कंटिन्यूसली क्लाइमेट, वेदर, मौसम ये सब चेंज होता जा रहा है, और जो हमारा रेनिंग पैटर्न है, जो मॉनसून का जो टाइम पीरियड है वो भी फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, कभी बहुत कम बारिश होती है, तो ऐसे फार्मर जो कि टोटल मॉनसून पे डिपेंडेंट हैं उन्हें नुकसान जो है वो ज्यादा झेलने को देखा जाता है। तो इस वजह से बहुत बार ड्रॉट जो है, स्केरसिटी ऑफ रेगुलर वाटर या इरेगुलरिटी इन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन या रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो है ये देखा जाता है। तो इस कंडीशन के अंदर ड्रॉट, सूखा जो है उसकी समस्या आ सकती है फार्मर के सामने। तो इस वजह से फार्मर को पर्टिकुलर सिस्टम्स चाहिए ताकि उसकी क्रॉप का जो वाटर डिमांड है उसको वो क्या करे, सेटिस्फाई कर सके। अगर हम लोग सोर्सेस की बात करें कि इरिगेशन पर्पस के लिए किसी फार्मर के पास क्या-क्या सोर्सेस हैं रेनफॉल के अलावा, तो उनमें सबसे पहला नाम आता है हमारे पास में वेल, जिसको नॉर्मली हम लोग कुआं बोलते हैं, पर ये वेल भी दो टाइप के होते हैं, एक को डग वेल और एक होता है ट्यूब वेल। डगवेल जो नॉर्मल कुआं हम लोग जिसको बोलते हैं, जिसको आप डग करते हैं, खड्डा खोदते हैं और जैसे ही पानी निकलने लगता है बस हम लोग अब खुदाई करना बंद कर देते हैं और उस ग्राउंड वाटर जो ऊपर की तरफ है, मतलब कि ज्यादा गहराई में नहीं है, उस पानी का इस्तेमाल करते हैं इरिगेशन के लिए। या एक और तरीका है कि हम लोग डगिंग करें, खुदाई करें और ट्यूब्स जो हैं, पाइप्स वगैरह, पंप वगैरह, मोटर वगैरह जो है उनका इस्तेमाल करके बहुत गहराई तक खुदाई करें, नीचे तक पानी जो जहां जो है वहां पर ले जा करके हम लोग पानी को मोटर या पंप की हेल्प से ऊपर लेकर के आए, तब हम लोग उसे बोल देते हैं ट्यूबवेल, तब हम लोग उसे कह देते हैं ट्यूबवेल। तो या तो आपके लिए डगवेल हो सकता है सहारा, या हो सकता है ट्यूबवेल। दूसरा है कैनाल। कैनाल्स क्या है? कैनाल्स एक तरीके की नेटवर्क सिस्टम है जिसमें छोटे छोटे रिजर्वॉइस, जो बहुत छोटे छोटे डैम्स बना 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 दिए जाते हैं, चेक डैम्स वगैरह वो, या रिवर्स जो हैं, जो काफी दूर नदियां हैं वहां से हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे या तो ट्यूब्स के फॉर्म में या फिर कैनाल्स के फॉर्म में एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, जाल बना देते हैं, और जहां पर सोर्स है पानी का उससे काफी दूर तक उस पानी को हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं कैनाल्स के थ्रू। ठीक है,
एक अगला सिस्टम आप देखेंगे रिवर लिफ्ट सिस्टम, इसमें भी सेम इसी तरीके का प्रोसेस जो है वो किया जाता है, पर आसपास के एरिया में ही, कि भाई आसपास ही नदी थी और नदी से छोटी छोटी नालियां हम लोगों ने निकाल दी और आसपास के जो खेत थे उनका इरिगेशन कर दिया, पर दूर तक अगर आपको इस पानी को ले जाना है तब हम लोग रिवर लिफ्ट सिस्टम की जगह इस्तेमाल में लेते हैं कैनाल्स का। इन दोनों में बेसिक जो अंतर है वो यही है, बाकी दोनों ही रिजर्वॉइस या रिवर से निकलते हैं, कैनाल लंबी दूरी तक ट्रेवल कराए जाते हैं, और जबकि रिवर लिफ्ट सिस्टम जो है आसपास के फील्ड्स के इरिगेशन के लिए ही सिर्फ इसी पर्पस से उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास में जो आखिरी तरीका जो दे रखा है वो है टैंक्स। आपने बिल्कुल वाटर टैंक्स, पानी की टंकियां देखी होंगी, हमारा स्कूल चित्रकूट, वहां चित्रकूट में भी आपने पानी की टंकी देखी होगी, वैशाली नगर में आप अपने आसपास देखी होगी। तो ये वाटर टैंक्स, इनमें पानी को स्टोर किया जाता है, ठीक है, और पानी जो है उसको पीने लायक बना दिया जाता है, ठीक है, पर इसका इस्तेमाल, इन टैंक का इस्तेमाल जनरली सिटी एरिया में होता है, अर्बन एरिया में। रूरल एरियाज में इन टैंक्स का मतलब होता है छोटे छोटे रिजर्वॉइस, जैसे आपने देखा होगा कि जो हिली एरिया होता है वहां पर हम लोग चेक डैम्स बनाते हैं, एक थोड़ा सा, एक छोटा सा डैम बना दिया, वो भर जाता है बारिश में, फिर पानी बहता हुआ उससे नीचे आता है, फिर नीचे भी हम लोग इसी तरीके से डैम्स बनाते जाते हैं। तो ये जो छोटे छोटे रिजर्वॉयर्स, जो चेक डैम्स वगैरह होते हैं, ये बनाए जाते हैं ताकि पानी जो है उसे स्टोर किया जा सके, और ये पानी जनरली ऑब्वियसली बारिश का ही पानी होता है, तो बारिश आई, पानी गिरा और पानी उसके बाद में बह गया, तो उस बारिश के टाइम पे तो जो फील्ड है उसका वाटर रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा, पर जब मॉनसून चला जाएगा, बारिश नहीं होगी, तब पानी चाहिए होगा। तो रिजर्वॉइस जो हैं, या ये जो छोटे छोटे जो टैंक्स हैं, ये इस समय ऐसी कंडीशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं फार्मर के लिए। इसके अलावा हमारे पास बच्चों जो फ्रेश वाटर सोर्स, जो रेन वाटर है, उसको कलेक्ट करने का एक हमारे पास में जो टेक्निक्स हैं, जो आपने सुने होंगे, जैसे आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग इसका नाम सुना होगा, आपने वाटर शेड मैनेजमेंट का नाम सुना होगा, जिसमें छत वगैरह पे पाइप्स वगैरह बिछा दिए जाते हैं और बहुत बड़ी जो छत होती है, तीन चार छत जो जुड़ी रहती हैं, उनसे पानी को कलेक्ट करके नीचे अंडरग्राउंड में एक कच्चा जो टैंक होता है उसमें स्टोर किया जाता है, ताकि ये पानी धीमे धीमे करके नीचे ग्राउंड वाटर तक जा सके और ग्राउंड वाटर लेवल जो घट गया है उसे बढ़ाया जा सके। इन सब का फायदा ये तो है कि चलो इरिगेशन जो है वो इससे कर किया जा सकता है, पर इसके अलावा इनका फायदा ये भी है कि ये बहते हुए पानी को रोकेंगे, बहता हुआ पानी, फ्लोइंग वाटर जो होता है वो सॉइल इरोजन के लिए एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, तो इस सॉइल इरोजन को भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं इन मेथड्स के थ्रू, ठीक है। तो ये था हमारा इरिगेशन। तो सबसे पहला हम लोगों ने किया क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, जिसमें हमने मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स पढ़े, फिर दूसरा हमने पढ़ा इरिगेशन, जिसमें हमने इरिगेशन के रिसोर्सेस पढ़े, तीसरा है अपने पास में क्रॉपिंग पैटर्न, कि आखिर मैक्सिमम बेनिफिट, ज्यादा से ज्यादा हमें फायदा मिल सके, इसके लिए हमें किस तरीके से क्रॉप्स को ग्रो करना चाहिए। इसमें हम लोग तीन टाइप के क्रॉपिंग पैटर्न्स की बात करने जा रहे हैं बच्चों। एक तो हम लोग बात करेंगे यहाँ मिक्स्ड क्रॉपिंग की, एक बात करेंगे इंटर क्रॉपिंग की, और एक हम लोग बात करेंगे क्रॉप रोटेशन की। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग क्रॉप पैटर्न में मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग, हाँ जी, मिक्स्ड क्रॉपिंग की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें एक साथ एक ही जगह पर दो अलग अलग क्रॉप्स जो हैं उन्हें ग्रो किया जाता है एक साथ एक ही समय पर, और वो भी ऐसे कि खेत के एक हिस्से में तो आप एक क्रॉप को ग्रो कर दीजिए और दूसरे हिस्से में आप दूसरी क्रॉप को, जैसे कि वीट और ग्राम एक साथ ग्रो की जा सकती हैं, वीट और मस्टर्ड एक साथ ग्रो की जा सकते हैं, या ग्राउंड नट और सनफ्लावर जो है
ये एक साथ ग्रो किया सकते हैं। ऐसा करने से जो रिस्क है डैमेज का वो कम हो जाता है कि भाई अगर एक क्रॉप को डैमेज होगा तो दूसरी क्रॉप तो कम से कम बच ही जाएगी। इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। दूसरा होता है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में भी दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स एक साथ एक ही फील्ड में ग्रो की जाती हैं, पर एक फिक्स एक डेफिनेट पैटर्न में। इसमें क्या किया जाता है, पहले एक टाइप के प्लांट की एक रो बनाई जाती है, फिर उसके बाद दूसरे टाइप के प्लांट की एक रो बनाई जाती है। और ये दोनों प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जिन्हें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट हो। कहीं आपने ऐसे दोनों प्लांट डाल दिए कि दोनों को सेम न्यूट्रिएंट चाहिए, तो इन दोनों के बीच में तो कॉम्पिटिशन हो जाएगा, दोनों को ही नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे करके ऑल्टरनेट रोज हम लोग डिफरेंट प्लांट्स की बनाते हैं। जैसे कि हम लोग चाहें तो सोयाबीन और मेज इन दोनों को ले सकते हैं, या फिर मिलेट बाजरा, या फिर काउपी जिसको लोबिया हम लोग हिंदी में बोलते हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। तो इसको इसको हम लोग बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग, जिससे आपका फायदा तो हो ही रहा है, मैक्सिमम प्रोडक्शन तो हो ही रहा है, न्यूट्रिएंट्स भी आपको प्रॉपर जो है मिल रहे हैं सारे प्लांट्स को। इसके अलावा पेस्ट और जो डिजीजेस हैं वो भी इन प्लांट्स को कम होती हैं, तो उससे भी हम लोगों को बचाव जो है, प्रोटेक्शन जो है वो मिल जाता है। तीसरा हमारे पास में है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में क्या किया जाता है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए फील्ड में एक ही टाइप की क्रॉप को ग्रो किया जाता है, फिर वो क्रॉप जमीन से न्यूट्रिएंट्स लेती है, और जब वो न्यूट्रिएंट्स कम होने लग जाते हैं तब हम लोग उस क्रॉप को ग्रो ना करके कोई दूसरी क्रॉप जो है उसे हम लोग ग्रो करते हैं। उस क्रॉप को न्यूट्रिएंट्स अलग चाहिए, तो तब तक दो तीन जो भी सीजन है उसमें आप लोग क्रॉप को ग्रो करेंगे, तब तक जो पहली वाली क्रॉप है उसके लिए न्यूट्रिएंट्स फिर से आपके जमीन में आ जाएंगे, और फिर आप फिर से क्या कर सकते हैं, उसी क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोग रोटेशन वाइज एक एक बार एक एक करके हम लोग अलग अलग प्लांट्स की क्रॉप को जो है ग्रो कर सकते हैं। क्रॉप रोटेशन को करने के लिए हमें ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं कि मॉइस्चर कितना अवेलेबल है, किस सीजन में अवेलेबल होगा, इरिगेशन फैसिलिटीज जो हैं वो कैसी हैं, कल्टीवेशन और हार्वेस्टिंग टाइम क्या होगा, है ना। तो ये इस तरीके से हम लोग सेलेक्ट करते हैं, पेयरिंग करते हैं कि आखिर किन दो या तीन क्रॉप्स के बीच में हमें प्रॉपर रोटेशन जो है वो करना चाहिए, कि इस साल हम लोग कौन सी क्रॉप ग्रो करें, उसके अगले साल कौन सी करें, और उसके नेक्स्ट ईयर जो है हम लोग कौन सी क्रॉप जो है उसे हम लोग ग्रो करें। तो इस तरीके से हम लोग अगर क्रॉप्स के पैटर्न पर ध्यान दें तो जो नुकसान हमें, छोटे मोटे नुकसान जो बाद में मतलब काफी बड़े बन जाते हैं, ये नुकसान हमें कम से कम झेलने मिलेंगे, और जो फायदा है, जो बेनिफिट है फार्मर को, वो ज्यादा से ज्यादा हो पाएगा। तो सीधी सी बात है, जब नुकसान कम होगा फायदा ज्यादा होगा तो जो प्रोडक्शन है क्रॉप का वो भी ज्यादा होगा, और जो नीड्स जो लगातार कंटिन्यूअसली पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो जो जरूरतें बढ़ रही हैं उन्हें भी कंट्रोल किया जा सकेगा, और सबकी जो बढ़ती डिमांड है उन्हें हम लोग पूरा कर सकेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना काफी है। अगले टॉपिक्स, नेक्स्ट टॉपिक्स जो हैं वो हम लोग आपसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।